अगर आपका यूट्रस वीक है, कई रीज़न हो सकते हैं यूट्रस वीक होने के, आपका गलत खान पान, इन्फेक्शंस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज या फिर मिसकैरेजेस। अब वीक यूट्रस में आप सोच सकते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी, आज का वीडियो इन्हीं टिप्स पर। हेलो एंड वेलकम अगेन। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आपका यूट्रस वीक हो क्यों रहा है, क्या अंडरलाइंग रीजंस हैं। उसके बाद हम कुछ होम रेमेडीज जानेंगे कि घर पे आप अपने यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकती हैं और कैसे आप सफलतापूर्वक प्राकृतिक तरीके से कंसीव कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूट्रस वीक क्यों हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हार्मोन्स का। अगर हार्मोन्स इंबैलेंस रहते हैं तो यूट्रस वीक होता है। यूट्रस में ब्लड फ्लो अगर अच्छे से नहीं होता है, लिथार्जिक लाइफस्टाइल है, ओबेस हो, ओवरवेट हो, तब भी यूट्रस कमज़ोर होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, डेली पेट साफ नहीं हो पाता ठीक से, या ऐसा ही हमेशा बना रहता है, इससे भी यूट्रस कमज़ोर होता है। अगर आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है पेट साफ करने के लिए, इससे भी यूट्रस पे असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी है, आयरन अगर कम है आपकी बॉडी में, कैल्शियम, जिंक यानी कि मिनरल और विटामिन्स की कमी है, जो कि अक्सर किसी न किसी मिनरल विटामिन की कमी पाई जाती है, अगर मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी है तब भी यूट्रस कमज़ोर होता है। अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो इस केस में भी यूट्रस की हेल्थ खराब होती है। अब इन सबको कैसे ठीक करें, तो सबसे पहले इन्फेक्शन की बात बता दें क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है। इन्फेक्शन अगर आपको होते हैं तो पानी ज़्यादा पीना है, नींबू, दही, संतरे, खट्टे फल का इस्तेमाल ज़रूर करें आप एक बार, हाइजीन मेंटेन करें, अजवाइन वाटर या अजवाइन धूनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मैजिकल रिजल्ट्स रहे हैं, हमारे ढेर सारे फॉलोअर्स इसका लाभ उठा चुके हैं। और अब हम बात करेंगे कि यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए घर में आपको क्या करना है, डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंस के कुछ चुने हुए आइडियाज़ आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, यूट्रस का दोस्त होता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्यों, ऐसा क्यों, क्या बाकी चीज़ें यूट्रस की दोस्त नहीं होती? तो मैं यूट्रस के कुछ फ्रेंड्स और भी आपको बताऊंगी। नंबर वन फ्रेंड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से ढेर सारे मिनरल और विटामिन आपकी बॉडी को मिलते हैं। और यूट्रस जो है उसमें मांसपेशियाँ हैं, मिनरल और विटामिन से वो मांसपेशियाँ नरिश होती हैं, मजबूत बनती हैं। तो हो गया ना दोस्त। दूसरा दोस्त है आपके यूट्रस का कि आप ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, एलमंड्स वगैरह लें। अगर आप ये लेते हैं, अंजीर जैसी चीज़ें अगर आप लेते हैं, तो इनके अंदर गुड फैट होता है और ढेर सारे मिनरल विटामिन इनमें भी होते हैं। तो जो गुड फैट होता है, ओमेगा 3 फैट होता है, वो यूट्रस को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूती देता है। तो क्या करना है, नट्स रोज़ खाने हैं, भिगो कर आप हर दिन खा सकते हैं, पूरे साल खा सकते हैं। आप भिगोएं, छिलका उतार ले जिन नट्स का उतारना होता है, उसके बाद उसको सुखाकर ड्राई रोस्ट करके भी रख सकते हैं, ताकि सफ़र में खा सकें या घर में जब मन चाहे तब खा सकें, और वो सोक भी हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हर दिन 2 फ्रूट आप खाने की कोशिश कीजिए, जिसमें एक विटामिन सी युक्त हो और एक नॉर्मल मीठा फल आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल सूप बिल्कुल टॉनिक है। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशंस जो होती हैं, जो ओवरग्रो कर जाती हैं यूट्रस की टिश्यूज, उनको कम करने के लिए एस्ट्रोजन को कम करना है, और एस्ट्रोजन कम करने का काम हमारा लीवर करता है, एक्स्ट्रा हार्मोन को निकालता है हमारे शरीर से। उस लीवर की हेल्प के लिए आपको पीना चाहिए हर दिन वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप लेने से हमारे कई फॉलोअर्स के और कई पेशेंट्स के भी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में काफ़ी सुधार हुआ है, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, और वो सफलतापूर्वक बिना किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचुरली माँ बनी है। तो वेजिटेबल सूप आप यूज़ करें यूट्रस प्रॉब्लम्स के लिए। यूट्रस में सूजन है तब ऐसी कंडीशन में अजवाइन और लौंग का वाटर या चाय बनाकर आप डेली ले सकते हैं, हल्दी का पानी आप ले सकते हैं, नीलगुंडी के तेल से आप अपने पेट के निचले हिस्से की मसाज कर सकते हैं, हॉट कंप्रेस बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको मिनरल्स एंड विटामिन की डेफिशिएंसी, आपने टेस्ट वेस्ट करा लिया, आपको पता है कि यस ये है भाई मेरा हीमोग्लोबिन कम है, 10-9 ऐसे ही रहता है, बढ़ता नहीं है, 12-13 तो आता ही नहीं है, ऐसे में डाइट आपकी मदद नहीं कर पा रही है, तो आप सप्लीमेंट लेना शुरू करें। डाइट में जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उसको आप इम्प्रूव कीजिए। मिलेट्स की रोटियां खाइए, मिलेट्स की रोटियां खाएंगे तो फाइबर अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा, यूट्रस को मदद मिलेगी, साथ ही मिलेट्स के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
तो वो न्यूट्रिएंट आपके यूट्रस को हील करेंगे। तो ये कुछ अमेजिंग आइडियाज़ हैं, आपको इसमें से जो भी दो तीन आइडियाज़ अच्छे लगते हैं या आपकी कंडीशन में इम्प्लीमेंट होते हैं, आपको सूट करते हैं, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। नतीजे हमेशा बेहतरीन होंगे, आप ट्राई ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।